हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस फॉर। सो गाइस, लास्ट टॉपिक में हमने करा था पेरिफेरल डिवाइसेस और आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस। सो गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है इनपुट आउटपुट इंटरफेस। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस होता क्या है बेसिकली? इट इज़ ए हार्डवेयर सर्किट। ये एक हार्डवेयर सर्किट है यूज बिटवीन CPU एंड IO डिवाइसेस, मीन्स IO डिवाइसेस और CPU के बीच में यूज होता है टू सुपरवाइज एंड साइक्रोनाइज ऑल इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, मीन्स जितने भी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर होते हैं सिस्टम के बीच में उनको सुपरवाइज करता है। दे प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन प्रोसेसर बस एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, और कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है उनको डाटा को ट्रांसफर वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम है, देखो यहाँ है प्रोसेसर, ठीक है, वहाँ डाटा एड्रेस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर लिंक्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके डाटा है जो भी, उसके एड्रेस को कंट्रोल कर रहा है। ये तीनों क्या है? इंटरफेस है, और ये क्या होगा? ये हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस होगा, ठीक है। तो ये एक डायग्राम था कनेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट बस टू इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स या डिवाइसेस बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस इज रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? बिकॉज देयर एग्जिस्ट मैनी डिफरेंसेस बिटवीन द सेंट्रल कंप्यूटर एंड ईच पेरिफेरल वाइल ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन, मीन्स जब हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में। उनको रिड्यूस करने के लिए, उनको कम करने के लिए तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस का यूज़ होता है, ठीक है। तो गाइस, अभी हमने बात की कि इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्यों रिक्वायर होता है, क्योंकि डिफरेंस एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में, तो उसके लिए हमें इनपुट आउटपुट इंटरफेस का रिक्वायरमेंट होती है। अब वो डिफरेंस जो एग्जिस्ट करते हैं वो कौन कौन से डिफरेंस हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट है पेरिफेरल्स एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल, सॉरी पेरिफेरल्स आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। पेरिफेरल्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस हैं, एंड देयर मैनर ऑफ ऑपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ CPU एंड मेमोरी, ठीक है। और उनके जो ऑपरेशन मैनर है वो डिफरेंस है किससे? CPU एंड मेमोरी से। विच आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो क्या है? मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है, और CPU और मेमोरी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देयरफॉर ए कन्वर्जन ऑफ सिग्नल वैल्यूज में भी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ सिग्नल वैल्यू रिक्वायर्ड करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इनपुट आउटपुट इंटरफेस का, ओके। सेकेंड थिंग है, जो सेकेंड डिफरेंस है वो क्या है? द डाटा ट्रांसफर रेट ऑफ पेरिफेरल्स इज यूजली स्लोअर देन द डाटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ CPU, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट में भी डिफरेंस होता है दोनों को, एंड कॉन्सिक्वेंटली ए साइक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म इज नीडेड, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट में भी डिफरेंस होता है, इसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है। थर्ड डिफरेंस जो है, अब वो है डाटा कोड्स एंड फॉर्मेट इन पेरिफेरल्स डिफरेंट फ्रॉम वर्ड फॉर्मेट इन CPU एंड मेमोरी, ठीक है। वर्ड फॉर्मेट भी डिफरेंट होता है, उसके लिए भी नीड होती है। द फोर्थ है द ऑपरेशन मोड्स ऑफ पेरिफेरल्स आर डिफर फ्रॉम ईच अदर एंड ईच बी कंट्रोल्ड सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द ऑपरेशन ऑफ अदर पेरिफेरल्स कनेक्टेड टू CPU, मीन्स जो पेरिफेरल्स के बीच में ऑपरेशन मोड्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, एक दूसरे के ऑपरेशन को डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए भी हमें इनपुट आउटपुट इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो दीज डिफरेंसेस आर रिजॉल्व थ्रू इनपुट आउटपुट इंटरफेस, एज इनपुट आउटपुट इंटरफेस कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स ईच ऑफ विच परफॉर्म वन और मोर विटाल फंक्शन फॉर स्मूथ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल्स, ओके। तो इसके बाद है IO बस एंड इंटरफेस मॉड्यूल्स। तो ये क्या होता है? इट डिफाइंस द टिपिकल लिंक बिटवीन द प्रोसेसर एंड सेवरल पेरिफेरल्स। ये लिंक को डिफाइन करता है
किसके बीच में? प्रोसेसर के बीच में और सर्वर पेरिफेरल्स डिवाइसेस के बीच में। द आईओ बस कंसिस्ट ऑफ डाटा लाइंस कंसिस्ट करते हैं, एड्रेस लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस। ठीक है, द आईओ बस फ्रॉम द प्रोसेसर इज अटैच टू ऑल पेरिफेरल्स इंटरफेस। ठीक है, तो बस जो होती है प्रोसेसर से आ रही है, जो मीन्स लाइंस हैं, जो लिंक्स हैं, वो अटैच कैसे, किससे होते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस से। ठीक है, देखो, टू कम्युनिकेट विद अ पर्टिकुलर डिवाइस, किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए द प्रोसेसर प्लेस ए डिवाइस एड्रेस ऑन एड्रेस लाइंस। मीन्स जो एड्रेस लाइन है उसके ऊपर डिवाइस का एड्रेस प्लेस कर देता है कि इस एड्रेस पे ये डिवाइस है और यहाँ से हमें ट्रांसफ़र करना है। ओके, फॉर एग्जांपल द प्रिंटर कंट्रोलर कंट्रोल्स द पेपर मोशन। जो प्रिंटर है, प्रिंटर का जो कंट्रोलर है वो क्या कंट्रोल करता है? पेपर मोशन को कंट्रोल करता है एट द प्रिंटिंग टाइम। ठीक है, द कंट्रोल लाइंस आर रेफर टू एज आईओ कमांड्स। मीन्स कंट्रोल लाइंस क्या रेफर करती हैं? आईओ कमांड्स होती हैं। द कमांड्स आर एज फॉलोइंग, और वो कौन सी कमांड्स होती हैं देखते हैं। ए फर्स्ट है कंट्रोल कमांड। ए कंट्रोल कमांड इज इश्यूड टू एक्टिवेट द पेरिफेरल फाइल एंड टू इंफॉर्म इट व्हाट टू डू। कंट्रोल कमांड किस लिए यूज़ होती है? पेरिफेरल को एक्टिवेट करती है और उसको इन्फॉर्म करती है कि उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है स्टेटस कमांड। स्टेटस कमांड इज यूज टू टेस्ट वेरियस स्टेटस कंडीशन इन द इंटरफेस एंड द पेरिफेरल्स। स्टेटस कमांड किस लिए यूज़ होती है? चेक द वेरियस स्टेटस कंडीशन, मीन्स कहाँ तक डाटा ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ, क्या स्टेटस है उस चीज़ का। ठीक है, स्टेटस कंडीशन को चेक करती है इंटरफेस के और पेरिफेरल्स के बीच में। थर्ड है डाटा आउटपुट कमांड। सो डाटा आउटपुट कमांड किस लिए यूज़ होती है? ए डाटा आउटपुट कमांड कॉजेज द इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम द बस इनटू वन ऑफ इट्स रजिस्टर। डाटा आउटपुट कमांड किस लिए यूज़ होती है? इंटरफेस कॉज करती है, कैसे ट्रांसफ़र करती है डाटा को बस से रजिस्टर के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए इंटरफेस कॉज करती है। फोर्थ है डाटा इनपुट कमांड। ए डाटा इनपुट कमांड कॉजेज द इंटरफेस टू रिस्पॉन्ड बाय ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम पेरिफेरल्स एंड प्लेस इट इन द बफर रजिस्टर। ठीक है, तो आउटपुट कमांड क्या कर रही थी? बस से रजिस्टर के बीच में डाटा ट्रांसफ़र कर रही थी। और डाटा इनपुट कमांड क्या होती है? ट्रांसफ़र करती है डाटा को किस में? रजिस्टर से करेगा, किस रजिस्टर से नहीं, सॉरी, डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र करेगी किस में? पेरिफेरल्स डिवाइसेस में। और उसको फिर कहाँ प्लेस कर देगी? बफर रजिस्टर के अंदर प्लेस कर देगी। ओके, देयर आर थ्री वेज दैट कंप्यूटर बसेस कैन बी यूज टू कम्युनिकेट विद मेमोरी एंड आईओ। ठीक है, फर्स्ट है यूज टू सेपरेट बसेस, वन फॉर मेमोरी एंड अदर फॉर आईओ। सेकेंड, use one common bus for both memory and IO but separate control lines for each. Third है use one common bus for memory and IO with common control lines. ठीक है, तो ये तीनों वे हैं जिस वे में हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं विद मेमोरी एंड IO के साथ। ठीक है गाइस, तो ये आज का टॉपिक था हमारा इनपुट आउटपुट इंटरफेस। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में, ये हमारा सेकेंड लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे असाइंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, सो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। थैंक यू गाइज़।